रख नवे नवे यारा नाल यारियां जी तेनू गुड लक वेरने। भाई काफी पैसा खर्च करा भाई फोन के लिए, स्पेशली इसलिए कि व्लॉग अच्छे बन जाते हैं इसमें। इसमें काफी फीचर काफी तगड़े तगड़े हैं जो बात है। टाइम हो रहा है सुबह के 7:15, अपना ब्लॉग भी हो गया शुरू। सो मित्रों, भंडारे की शुरुआत हो चुकी है, तो अब मैं फटाफट से मंदिर जाके तुम्हें ये दिखा दूं कि क्या क्या तैयारी कंप्लीट हो गई है। सुन सकते हो शंख की आवाज। तो अब चल लेते हैं मंदिर की तरफ और देख लेते हैं वहां का क्या क्या कंप्लीट हो गया काम, और फिर उसके बाद नहाएंगे धोएंगे फिर अपने काम में चालू हो जाएंगे, क्योंकि भंडारा है। भंडारे को साइड में रखते हुए तुम्हें और भी दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ काफी ऑफिस में तैयारियां चल रही हैं। ये देखो यहाँ मेन गेट लगा दिए गए हैं, अब यहाँ से ऐसे घूम फिर के निकलना पड़ेगा। और गेट देखो क्या बेहतरीन वाले लगाए हैं। ये देखो एक गेट यहाँ लगा दिया है और एक गेट लगा दिया ये वाला, ये मेन गेट हुई गाड़ियों के निकलने का, और ये छोटा गेट छोटी गाड़ी भी निकलने के लिए। मजाक कर रहा हूँ, ये पैदल वालों के लिए और वो गाड़ी वालों के लिए। तो भाई अभी थोड़ा सा इन सभी वातावरण को देखते हुए, जो यहाँ का वातावरण अभी फिलहाल के लिए है वो ठंडा है, और उसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये गर्म करने के धातु है, धातु कह रहा हूँ मतलब गर्म करने का एकमात्र सहारा इन द सेंस, मतलब इसी के भरोसे यहाँ की ठंड जो है वो बहुत कम महसूस होती है। और मौसम मतलब है ठंडा है चारों तरफ से, तो इसलिए इसी के सहारे यहाँ पे बैठा जा सकता है, वरना नहीं बैठा जा सकता। भाई तैयारी तो हो रही है फर्स्ट क्लास, और अब मैं जरा नहा धो के हो जाऊँ रेडी। धूप इतनी मस्त लग रही है ना इस टाइम, आ रही है सामने से, ठीक है तब ना नहा धो के फैरिक हो जाते। मैं नहा धो के हो जाऊँ रेडी और बाहर निकलते ही ये देखो चिड़िया कैसे बैठी है। भाई ना मैं तो नहा धो लिया, नाश्ता भी कर लिया, अब ये भी तो है इन्हें भी तो कुछ खिलाना पिलाना है। तो भाई अभी इनके लिए मैं लाया हूँ गांव से, वो मिले थे एक मिठाई का डिब्बा आया था, तो वो डाल रहा हूँ मैं इनको। ये लो, रुक जा, ये नहीं है तेरा, ये है, तो ये मैं इनको दे रहा हूँ। इनका भी तो नाश्ते का टाइम है, हमने तो बल्ले ने भी तो खिलाना, खा लो ये दे। इन्हीं की वजह से सब कुछ है, राशन भी रख के आना है, कल लेके तो आ गया था वो, अब बस में रखवा के आना है, तो 9:30 बजे के अप्रोक्स में निकलूंगा सामान लेके, ठीक है। तो इतने देख लेते हैं मंदिर में क्या चल रहा है। पहलों को बात है ऐसी घर जैसी कि अभी भंडारे का जो समय है अभी आया नहीं है, समय हो रहा है अभी 9:15 हो रहा है, तो भंडारे का देखो टाइम अभी आया नहीं है। मैक्सिमम जहां तक है 10:30-11:30 बजे तक आसपास शुरू होगा भंडारा। मैं जा रहा हूं अभी जेसीबी का सामान रखने, मतलब जो राशन था ऑपरेटरों के लिए खाने के लिए, तो वो रख के आ रहा हूं। बस स्टार्ट होगी तुम्हारी 10 बजे, बस निकल जाएगी वहां से बस अड्डे से, और 9:30 बजे तक तो मैं सामान रख दूंगा। मतलब ये है कि टाइम से पहले सामान रख दूं, जो जिससे कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं हो, ठीक है। तो खैर फिलहाल मैं जा रहा हूँ इस टाइम सामान रखने के लिए, उसके बाद जब वापसी आऊंगा जब देखते हैं कि भंडारा एप्रोक्स शुरू हो जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए पहुंचता हूँ पहले, उसके बाद बातचीत करते हैं कि क्या सीन बनता है, और बाकी देखेंगे कि अपने कोई यार दोस्त मिले ना मिले,
आज के लिए, क्योंकि गुटरू तो चला गया देहरादून वापस, और देखता हूँ दो तीन मित्र हैं, साइकिल भी ठीक करवा लिया मैंने, हो सकेगा तो आज शाम को साइकिल का टूर मिलेगा देखने को। ठीक है, तो फटाफट से पहले मैं सामान रखता हूँ, उसके बाद कैरी ऑन करते हैं अपने ब्लॉग को। बस स्टैंड पे पहुंच गया और यहाँ बस मिलेगी 10 बजे पावो की। चलो मित्रगणों, काम तो हो गया हमारा फारिक, मतलब राशन भी रख दिया है और ऑपरेटर को भी, दोनों को बता दिया है कि भाई तुम्हारा सामान पहुंच जाएगा, और अब काम रह गया है भंडारे का। तो भाई अब फटाफट से अपना घर पहुंचते हैं और भंडारे की जो व्यवस्था है अब उसको देखते हैं, कार्यभार लेना पड़ेगा अब कंधों पे। ठीक है, तो फटाफट से पहुंचते हैं, वहां हमारे पंडित जी मिलेंगे, नीरज तिवारी जी, आप भी कल ही मतलब काफी भली भांति परिचित होंगे उससे। ठीक है, तो फटाफट से पहुंचते हैं और वहां की भंडारे की कार्रवाई शुरू करते हैं। ठीक है, तो जी सर्वप्रथम जो पहला काम हमारा है कन्याओं को जिमाना, पहले कन्या जिमेंगी, उसके बाद बाकी सबों को मिलेगा भंडारा खाने के लिए। हम तो एक एक दो दो का ले देते हैं, 10 से नीचे बोलते भी नहीं है। और ये लग रहे हैं अपने कारीगर, पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ भंडारे का जो प्रसाद है उसको बना रहे हैं, काफी स्वादिष्ट बना है। तो जी मित्रों, दिन ढल चुका है, शाम हो चुकी है, मैं निकल गया हूं जरा थोड़े से मित्रगणों के पास और थोड़ा सा मार्केट का काम है। भाई मैं तो सोच रहा था कि गाड़ी से नहीं जाऊं, साइकिल से चला जाऊं, पर क्या करें, डैडी ने काम दे दिया है तो भाई काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भाई अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अब मैं जा रहा हूं जरा, पहले एक के यहाँ आज भंडारा था तो एक के यहाँ उसको देना है हलवा, उसने भाई बोला था तो उसको दे के आऊंगा और उसके बाद निकलूंगा फिर इधर उधर साइड में, कहीं देखा कहीं घूमने फिरने की जगह कोई मिल जाए ढंग की सी तो वहां भी जाऊंगा, फिर देखूंगा। काम दो तीन है, ये जा रहे हमारे पंडित जी, तो पंडित जी से मिलेंगे, पंडित जी मिलेंगे हमें सुबह, पंडित जी की हमारी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है। ठीक है, तो ठीक है पर निकलता हूँ फटाफट से, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। ये देखो, ये वो लड़की है जिसकी एक बार शादी में हम आए थे, मुंह दिखाई थोड़ी होगी तेरी, हटा इस हाथ को, हटा, कैमरा बंद कर, क्या कार डर होगा, हाथ हटा, अरे मैं यही डाल दूंगा, क्या फायदा, मैं ऐसी डाल दूंगा, मत कर, क्यों भाई। बात ऐसे है कि अब मैं जरा लता के घर से निकल गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ मार्केट में, जरा मुझे कुछ लेना है सामान, क्योंकि कल एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण दिन है मेरे लिए भी और आप सभी के लिए भी। ठीक है, तो अब जरा लेना है सामान, उसने भी ज्यादा देर लगा दी घर में बैठा बैठा के, मतलब बातचीत करते रहे, मतलब उसकी शादी के बाद मिला हूं मैं तो, मतलब काफी टाइम हो गया, स्कूल फ्रेंड है, अपनी क्लासमेट थी स्कूल से, मतलब 8th क्लास से हम साथ थे और फिर मतलब काफी टाइम हो गया बातचीत करे, तो बातचीत करी कम से कम आधा एक घंटा लग गया उससे बातचीत करने में। तो खैर निकल गया हूं मैं अब मार्केट से जरा सामान लेके और उसके बाद वापस घर। ठीक है, अरे सेव हाँ एक साथ ही करने, और सेव खराब छोड़ देना, पंद्रह
तो जी मारे हाथ में आ गए केला और अब निकल जाएंगे हम घर को। केला रख दी हमने गाड़ी में। अंधेरा बहुत हो रहा, अखनू कह रहे अंधेरा बहुत हो रहा। तो भाई अंधेरा हो रहा तो अपने दौरे भी है कि एक लाइट इसकी, अपने फोन रियलमी 11 लाइट 22,000 रुपया का है। काफी पैसा खर्च करा भाई फोन के लिए। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। स्पेशली इसलिए कि ब्लॉग अच्छे बन जाते हैं इसमें काफी फीचर काफी तगड़े तगड़े जो बात है। तो भाई इसलिए 22,000 रुपया खर्च करके ये फोन लिया। तो भाई अंधारे में लाइट भी तो चाहिए है ना। तो खैर सामान ले लिया, ये देखो ये रखा, ये है और ये कुछ भिंडी है, मतलब थोड़ा बहुत सामान लिया है। तो अब फटाफट से घर के लिए निकल लेते हैं। और रख नवे नवे यारा नाल यारियां जितनु गुड लक वेरने। भाई ये गाना सुनता हुआ आ रहा था गहरी संधू को, भाई साहब एक नंबर सॉन्ग है, सुन के देखो गुड लक, काफी बढ़िया गाना है। तो गाना तुम सुनते रहो। तो सुनते के साथ ही मैं इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे विराम। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो बेल आइकन भी अवश्य दबा देना जिससे जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें। जय श्री राम।